ओए, तेरे चलने का वक्त हो गया। कहाँ साहब? पैसे लेने। अच्छा, आज के आज ही मिल जाएंगे हमारी पगार? हाँ हाँ, मिल जाएगा। मालिक तो आज खुद चल गया है, और कुछ चाहिए क्या? नहीं साहब, आप हमें हमारा मेहनताना दे दें, वही बहुत बड़ी बात है। चलो, एक बात बताऊं, मैंने मालिक से तुम्हारी बहुत तारीफ की है और उनको तुम्हारा काम भी पसंद है। अगर ऐसे काम करती रहेगी ना तो तेरी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी। चला जा। अरे क्या साहब, ये तो छोटा बच्चा लग रहा है। आपको मैं ही मिली थी क्या मजाक करने के लिए? अरे ये क्या बात कर रही है, मेन मालिक यही है। पर ये जो घर बनवा रहे ना, ये सब इन्हीं की देखरेख में बन रहा है, और ऐसे कई सारे घर हैं जिसके मालिक ये खुद हैं। क्या साहब, इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो इनके इतने बड़े बड़े घर है? ईमानदारी के रास्ते पे चल के मामी जी। अरे जिगर बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? ठहरो मामी जी ठहरो, मेरी मम्मी तो आपसे मिलेंगी, जो आपने उनके ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगवाया था। मेरी मम्मी हिसाब बराबर करने जरूर आएंगी। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है वो तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की है? तुम इतने बड़े लोग हो गए हो। अरे भाभी जी, आप टेंशन मत लो, हम आपके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहे। मतलब निहारी का तुम कहना क्या चाहती हो? याद करिए वो दिन। वाह महारानी जी, कैसे सो रही हैं। अब देखती हूँ इनको घर से बाहर निकालने में कौन रोकता है। कितनी गंदगी फैला रखी है चारों तरफ, सफाई तो करनी नहीं, ऊपर से मेरा खून और पीना है। सुबह होते ही इसको निकाल दूंगी। मामी जी, मेरी मम्मी निर्दोष है, उन्होंने कोई पैसा नहीं चुराया है, आपको गलत फैमिली हुई है। भाभी, हमने चोरी नहीं करी है, और भला मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ, वो भी अपने ही घर में, अपने बड़े भाई के घर में मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ, जिन्होंने मुझे खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दी, मेरे पूरे वक्त में मेरा साथ दिया। जिस टाइम पे मेरा कोई नहीं था, उस टाइम पे भैया ने मेरा कितना साथ दिया, मैं भला वहाँ पे चोरी कैसे कर सकती हूँ? मैंने चोरी नहीं करी है। एक तो तुम माँ बेटा मिलके मेरे घर में चोरी कर रहे हो, ऊपर से भोले बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई है तो तुम मुझे भोला बन के दिखा रहे हो। ठीक है भाभी, अगर आपको लगता है कि हमने चोरी करी है तो आप हमें जो मर्जी सजा देना चाहो, हमें मंजूर है। सजा वजा तो छोड़ो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये जो तुमने कारनामे किए ना, बस तुम्हारे भाई को पता ना चले, नहीं तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा कि उनकी अपनी बहन अपने ही घर में चोरी कर रही है। अरे जिंदगी भर के लिए तुम दोनों उनकी निगाहों में गिर जाओगे। पर मैं ये नहीं चाहती, आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है भाभी, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी, आप मुझे बता दो कि मुझे क्या काम करना है। काम? अरे कौन सा काम, आज के बाद तुम दोनों माँ बेटा मेरे इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि चोरों को मैं इस घर में नहीं रख सकती। ठीक है भाभी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो, आपने मुझे माफ नहीं किया ना, आप यही चाहते हो ना कि मैं अपने बच्चे को लेके इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊं। ठीक है, मैं चले जाती हूँ, कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना। मम्मी मेरी किताबें ले लो। किताबें? कौन सी किताबें? वो किताबें ना हमारे पैसों की थी। अगर तुझे पढ़ने का इतना ही शौक है ना तो अपने पैसों की किताबें खरीदो, और वैसे भी तू पढ़ लिख कर करेगा क्या, बनेगा तो तू चोरी अपनी माँ की तरह। चलो निकलो यहां से। अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? सम्राट, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ टाइम पहले ना मेरे हाल बहुत खराब थे, मैं अपने भाई के यहाँ रहती थी,
मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया, रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना भी दिया, लेकिन मेरी भाभी को ना ये सब पसंद नहीं था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उनकी बहन यहाँ क्यों रह रही है। फिर इन्होंने हमें घर से बाहर निकालने के लिए हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और हमें घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्यों भाभी जी, सही कह रही हूँ ना मैं? और सम्राट, तुम्हें पता है इन्होंने मेरे भाई को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने लगे। उन्होंने भी मेरा हाल लेने की कोशिश नहीं करी कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। इन्होंने मेरे भाई को ऐसा सिखाया कि वो तो भूल ही गए कि उनकी कोई बहन भी है ना भाभी जी? और भाभी जी, आपको पता है सबसे ज़्यादा मुझे बुरा कब लगा? जब मेरे बेटे ने आपसे किताबें मांगी थी और आपने साफ मना कर दिया था कि वो किताबें आपके पैसों की है, इसलिए वो आप हमें नहीं दे सकती। आपको पता है बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने मजदूरी करके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और मुझे गर्व है कि मैंने ये सब अपने बलबूते पे किया, ना कि किसी की भीख से। आपने चोरी का इल्ज़ाम तो लगाया ही लगाया, साथ में एक भाई बहन को भी जुदा कर दिया, ये अच्छा नहीं किया आपने। मुझे माफ़ कर दो निहारिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया। और निहारिका, तकदीर का खेल देखो कि मैं आज तुम्हारे यहाँ पर मजदूर बनकर आई हूँ और तुम मेरी मालकिन बनी हुई हो। निहारिका, जैसे ही मैंने तुम दोनों को घर से बाहर निकाला, तुम्हारे भैया को अटैक आ गया और वो पैरालाइज हो गए। उनकी नौकरी भी चली गई और मुझे देखो, मुझे यहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। मैं तुम्हारे भैया का इलाज कराने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी उनके इलाज में लगा दी और देखो मैं यहाँ पर मजदूरी करने आई। बस मेहनत मजदूरी करके जो दिन भर में कमा लेती हूँ उससे ही हमारा गुजारा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी तरक्की देख के। तुमने अपनी मेहनत से लगन से इतनी प्रॉपर्टी बना ली और मुझे देखो, जितना मैंने बेईमाना करा, तुम्हारे ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया, भगवान ने मुझे मेरी करने की सजा दे दी और मुझे कहाँ ला के पटक दिया। निहारिका, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या भैया को अटैक आ गया? भाभी, आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? कम से कम मुझे एक बार बता तो देते, उनकी बहन होने के नाते ही मुझे सब बता देते। खैर, जो भी हुआ कुछ जैसे भी हो हम उसको भूल जाते हैं। पर भाभी, आप टेंशन मत लो, भैया के पूरे इलाज की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं भैया का अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाऊंगी और आप टेंशन मत लो, भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप मेरे साथ चलो।